मराठी एंड जीरो। हेलो गाइस, आप कृष्णा मराठी एंड जीरो हमारे साथ मूवी देख के आए अभी बागी 3 का। तो सबसे पहले बताइए कैसी लगी आपको? भाई ये मूवी नहीं है, मूवी है धमाका है, धमाका भाई। ऐसा धमाका ना 70 mm का पर्दा फाड़ देगा भाई। और सबसे पहली बार टाइगर श्रॉफ है, इसलिए जैकी दादा ने ऐसे ही नाम नहीं रखा है टाइगर। ये बॉक्स ऑफिस को पूरा रॉर करेगा, इसलिए टाइगर नाम रखा है भाई। पूरा मचा दिया भाई थिएटर को। और पहली बार पब्लिक थोड़ी कम थी, मतलब 96% ऑलमोस्ट 90% पब्लिक थी। लेकिन कोरोना वायरस के थोड़े डर के वजह से पब्लिक कोई आ नहीं रही है। कोरोना छोड़ो, इधर को आपका कोरोना वायरस इधर ही खत्म हो जाएगा भाई। सच बता रहा हूँ। और पिक्चर वर्थ वॉच है भाई, मोस्ट एंटरटेनिंग मूवी। और अहमद खान जैसे बड़े कोरियोग्राफर ऐसी पिक्चर डायरेक्ट करे ना, तो बाकी सब डायरेक्टर सब घर पे सो जाएंगे भाई। साला इतना ज़बरदस्त एक्शन, अरे साला कोरियोग्राफर इतना ज़बरदस्त एक्शन दिखा रहे यार, मैं बिलीव नहीं कर रहा यार, सीरियसली। आपसे जानना चाहेंगे आपको कैसी लगी, और आपका जो पहले आपने रिव्यू दिया था वो काफ़ी हिट हुआ था। हाँ समझ में आ रहा है। कमेंट सेक्शन में जगह बहुत सारे हैं, आप भर करके गाली दे सकते हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। चलेगा भाई। लेकिन सबसे पहली चीज मैं कहना चाहता हूँ, भाई को मूवी बहुत अच्छी लगी है, नो डाउट मूवी काफी अच्छी है। लेकिन मुझे डायरेक्शन में जो कमी जो होती है ना वो बहुत ज्यादा लगी है। क्यों मैं बता दूं, क्या कहावत है कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, और वो बहुत ज्यादा यहाँ पे खला है। यहाँ पे बात अगर ये टाइगर श्रॉफ कर रहे हैं, टाइगर श्रॉफ के बारे में कर रहे हैं, दैट्स इट कि सही है। उनका अगर फिजिक्स देखा जाए तो हर मूवी में हर पार्ट में वो अपना फिजिक्स बेटर करते जा रहे हैं। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन होता है ना कि उनको एक फ्रेश कहानी मिले, वो नहीं है। आप अगर नोटिस करने वालों में से हो तो आप नोटिस करके एक बार देखो कि हीरोपंती से लेकर के अभी तक, और उनकी जो अभी नई मूवी अनाउंस हुई है हीरोपंती 2 और बी वेयर, कि उनका जो है अभी उनका जो नेक्स्ट मूवी आ रहा है हीरोपंती 2, वो भी अहमद खान ही डायरेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सोच करके रखो कि वो भी कौन सी मूवी की कॉपी होगी। मैं स्पॉइलर तो बिल्कुल नहीं देना चाहूंगा, इनको काफी अच्छी लगी है। देखो देखो सर को भी अच्छी लगी है। देखो क्यों बताता हूँ, क्योंकि एंड क्रेडिट्स में ना तेलुगु मूवी का रीमेक है, विटन ऐसा कुछ नाम है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, देखा नहीं ठीक से। देखो इन्होंने विटलम ऐसा मैंने ऐसा तेलुगु मूवी का रीमेक है। अभी चलो बॉलीवुड चल रहा है, जो रीमेक की वजह से ही चलेगा, कोई फ्रेश स्टोरी तो लाएगा नहीं। और टाइगर श्रॉफ को अच्छी स्टोरी मिले तो भाई भगवान खुद नीचे आ जाएगा भाई, सच बता रहा हूँ। और देखो ऐसा नहीं है, स्टोरी का हम लोग बता नहीं सकते, मैंने सिर्फ एक्शन के बारे में बोला। एक्शन जबरदस्त लगा मेरे को भाई, मुझे सीरियसली। एक्चुअली मुझे इसके लिए मैसेज, क्योंकि मैं बैट पिक्चर जो बैटमैन पिक्चर देख रहा हूँ, उसमें दिखाया एयरक्राफ्ट जो फाइटिंग था, जो हॉलीवुड जो एक्शन जो पैकेज होता ना, वो बॉलीवुड एक्शन मैच नहीं कर पाया। टैंक को ला कर आपने रख दिया, 3 टैंक को ला कर रख दिया, एक बंदे को उसमें भगा रहे, क्या थोड़ा फ्रिक्शन लग रहा है यार बॉस। या सीरियसली अहमद खान ने मूवी के रिलीज से पहले यह दावा किया था कि MI मीन्स मिशन इम्पॉसिबल, और उसके अलावा जो है फास्ट एंड फ्यूरियस, इन सबका मुँह तोड़ जवाब देंगे। तो क्या ये मुँह तोड़ जवाब देने का वो तरीका था कि आप सेम एक्शन सीन को जो है पूरे तरह से कॉपी करके डालो? यू नो ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टारडम एक्शन मिला है हमारे पास बॉलीवुड में, जो हॉलीवुड को पानी कम चाहे लाओ यार, कुछ ऐसा तड़का वड़का दो जो हिला दे, हॉलीवुड तक हिल जावे। जैसा वो क्या बाहुबली ने क्या हिला दिया था, साउथ इंडिया पूरे बॉलीवुड को हिला के रख दिया था। दो इसको, ही इज मिसिंग दो थिंग यार, एक सीरियस आई बिलीव इट। नहीं नहीं ये बात सही है, टाइगर श्रॉफ की अगर बात की जाए ना, उनको सही स्क्रिप्ट चुनने की जरूरत है। ये नो डाउट कि मास ऑडियंस को ये मूवी पसंद, दिस इज रियली गुड मूवी, बट लाइक जो बोले ना, एक आइटम सॉन्ग भी नहीं था यार। कैसे ना हमारे जैसे वेल्ले जो होते हैं, मींस पूरे टाइम बैठ करके टीवी देख रहे होते, तो सोनी सेट मैक्स पे ये मूवी की स्टोरी कई बार देखी जा चुकी है। सेकेंड हाफ देखा जाए थोड़ा चेंज कर दिया गया है, जहाँ पे दो गुंडों के बीच में लड़ाई होने वाली थी, दो ग्रुप के बीच में, वहाँ पे एक कंट्री के बीच में लड़ाई करते हुए दिखाई गई है। तो यार स्टोरी की अगर बात की जाए ना, तो बार बार वो जा करके चुप जाता है कि हमारे पास में लिरिक्स लिखने वाले खत्म हो गए, स्टोरी जो नया फ्रेश स्टोरी लिख पाए वो खत्म हो गई, या डायरेक्टर का नजरिया जो है चेंज नहीं होने वाला। मतलब अगर उनको कोई शॉट लेना है तो सेम टू सेम ही शॉट लेना है। मैं बस इस बात के लिए वरीड हूँ कि यार अहमद खान के लिए प्लीज़ यार रियलिटी शो का दरवाज़ा खुला रखो, ताकि वो खुला ना छूटे यार। क्यों ना मालूम है उनको ना, ये एक्शन मूवी देखा जाए अच्छी है, जहाँ जहाँ पे एक्शन सीक्वेंस है ना, यू विल लव द सिचुएशन, वो सिचुएशन आपको बहुत अच्छा एंटरटेन करेगा। लेकिन बाकी जो टाइम है उस टाइम पे ना आपको नींद आने लग जाएगी यार। देखो अभी देखो अभी पहली बार बॉलीवुड, मैंने आपको पहले ही कहा था बॉलीवुड चल रहा है रिमेक सॉन्ग्स और रिमेक पिक्चर की वजह से। अभी पहली बार अभी इस भाई ने बोला कि टाइगर श्रॉफ को अच्छी स्क्रिप्ट यूज़ करनी चाहिए, मैंने आपको पहले ही बोला टाइगर श्रॉफ को अच्छी स्क्रिप्ट मिले तो भाई भगवान ऊपर ऊपर से नीचे आ जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि अभी साला ये भगवान ना, इसको एक भाई भाई ने कोई तो बोला ना, नहीं मैं भाई भगवान नहीं, मैं आपको ये बोल रहा हूं स्क्रिप्ट की कोई कमी नहीं भाई, मैं वही तो बोला ना साला बॉलीवुड में ना साला स्क्रिप्ट खत्म ही हो गया। जब तक देखो राजकुमार हिरानी गाया ना डायरेक्शन छोड़ देना,
बॉलीवुड भी वैसे ही चलेगा जैसे साउथ मूवी का रीमेक ही चलता रहेगा भाई। एक डायरेक्टर जो होता है ना, सुनील शेट्टी ने जैसा डूबे हुए एक्टर को उठा दिया है। आज अजय देवगन, सैफ अली खान कहाँ थे, कहीं नहीं। लुक एट देम, तानाजी इज लाइक डूइंग वेल स्टिल नाउ। अभी चल रही है ऐसा चाहिए। और सबसे पहले एक चीज बोलना चाहता हूँ कि अगर सिर्फ कॉपी मार के ही फिल्म हिट हो सकती है तो लंच बॉक्स क्या है। लंच बॉक्स अगर और देखा सबसे होगा, पहली बात तुम्बाड़ भी देखो। तुम्बाड़ जो है इतनी अच्छी मूवी को दबा दिया गया था क्योंकि उसकी उस तरह से एडवर्टीजमेंट नहीं थी, उस तरह से मतलब मार्केटिंग नहीं हुई थी। मार्केटिंग ऐसे बॉलीवुड में भी मूवी है जिसकी कॉपी उठा करके हॉलीवुड वाले बना रहे हैं, एक से एक कॉपी कर रहे हैं, तो हमें उस कंटेंट के ऊपर में ज्यादा ध्यान जाता है, ऐसे कंटेंट पे नहीं जाता है। क्योंकि ऐसे कंटेंट हर सैटरडे संडे को सेट मैक्स पे आ जाता है। और आप देखो रितेश देशमुख का जो यहाँ पे रोल है ना, माधवन का रोल को वहां से कंपेयर करके देखो, माधवन से बहुत अच्छा प्ले किया है रितेश देशमुख ने। एंड में जो उनका एक्टिंग स्किल दिखा है ना बॉस, आंख से आंसू आ गए। और वो क्लाइमेक्स का सीन है, इट्स नॉट अ स्पॉइलर क्योंकि मूवी में देखने के लिए भी बहुत है और ट्रेलर से भी आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि ट्रेलर में क्या दिखाया गया था और स्टोरी कैसी होगी। तो वो जो क्लाइमेक्स का सीन है ना बॉस, क्यों वो मारता नहीं है और छोड़ देता है और क्यों रितेश देशमुख रुला देता है, वो देखने लायक है मूवी में। लेकिन जुड़वा देख रहा हूं उसको बाहर को देख रहा है जैसे जुड़वा वाले का सीन है। बाय द वे मैं मूवी को काफी बारीकी से देखता हूं, गाली देना हो दो यार, लेकिन मैं बारीकी से देखता हूं। अगर आपने सस्ता सुशांत सिंह राजपूत नहीं देखा अभी तक तो इस मूवी में देखो। और पाकिस्तान का वो जो छोटा सा बच्चा था जो बार बार कहता है पीछे, तो देखो इस मूवी के अंदर में बहुत अच्छे से लिया गया। हाँ, एग्जैक्टली श्रद्धा कपूर को वो सीन है, पीछे देखो पीछे पीछे, पीछे, पीछे देखो, देखो। श्रद्धा कपूर वैसे वाला सीन है, स्मॉल पैकेज कॉमेडी मिक्स विद स्पाइस। नो नो आई एम नॉट कन्विंस्ड विद दैट कि श्रद्धा कपूर अच्छी लगी है। श्रद्धा कपूर बहुत अच्छा एक्टिंग करती है, उनकी उस एक्टिंग स्किल की वजह से बार बार आता हूँ देखने के लिए जब भी श्रद्धा कपूर स्क्रीन पे आती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ मालूम है, साउथ के उस कैरेक्टर को अपनाने के चक्कर में इतना ज्यादा ओवर हो गया ना बॉस की समझ में नहीं आई वो। और एक सरप्राइज पैकेज ये जैकी श्रॉफ, जैकी दादा जब एक स्क्रीन पे आए स्टार्टिंग में, इतना यंग दिख रहे। और बाद में सो यंग, वो जिस तरह से जब एक का हाथ पकड़ते हैं ना और उसके हाथों की नसें जैसे दिख रही होती है ना, देख करके ऐसा लगता है कि बाप बेटे दोनों एक ही जिम में जाते हैं और एक ही टाइम स्पेंड करते हैं। और सबसे पहली बार जब क्लाइमेक्स हो गया एंड पिक्चर ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, जब जैकी दादा और टाइगर श्रॉफ एक ही फ्रेम में आते ना, हाय हाय हाय, पब्लिक ने जो बोलते सीटिया टालिया कुछ भी बोला पूरा फाड़ दिया। अच्छा, क्रेश कुछ लोगों का कहना था लास्ट वीडियो के अंदर में कि लॉजिक और फिजिक्स क्यों ढूंढ। और हाँ, पहली बात मैं सच बता दूं, बता देता हूँ, लॉजिक और फिजिक्स ढूंढने का टाइम खत्म हो चुका है। हम इस चीज को मान चुके हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि मैं अभी हीरोज का फैन नहीं डायरेक्टर का फैन हो चुका हूँ। लाइक रोहित शेट्टी अपने हर मूवी में कह देते हैं कि विदाउट लॉजिक आओ और इन्जॉय करो। तो अभी देखा जाए सूर्यवंशी आने वाली है, तो उसमें लॉजिक कौन ढूंढने वाला है? कोई नहीं ढूंढेगा। बात लॉजिक और फिजिक्स की नहीं है यार, हम लॉजिक और फिजिक्स नहीं ढूंढ रहे। आप उसके बिना भी मूवी बना सकते हो, डायरेक्शन कर सकते हो, लेकिन वो सारी गलतियां जो है ना वो हट जाती है माइंड से। देखो भाई, बिल्कुल नोटिस में नहीं है। भाई पहली बात, किसी को पढ़ाई पसंद नहीं आती, इनफैक्ट हमको भी पढ़ाई पसंद नहीं आती थी, बस पढ़ना पड़ता है। लेकिन पढ़ना पड़ता है, मजबूर में पढ़ना पड़ता है। लेकिन जब थिएटर आते तब तुम लोग का ज्ञान क्यों चलते, क्यों ज्ञान आता है तुम लोग का? किस साला लॉजिक नहीं आता है, फिजिक्स नहीं आता है, मैथ्स नहीं आता है, साइंस नहीं आता है, इंग्लिश तो आती नहीं तुम लोग को। और पहली बार साला नीचे कमेंट सेक्शन में इतना बड़े बड़े इंग्लिश डालते हैं भाई। भाई पॉइंट है कि नहीं भाई? भाई सच बता रहा हूं भाई। सबसे पहली चीज, जब दबंग 3 की बात की जाए या सलमान खान की उन मूवीज की बात की जाए जिसमें मतलब अच्छी स्टोरी होती है, उसमें बोलते हैं अरे लॉजिक की तो मां बैंड कर दिया है। अरे उस वक्त में लॉजिक नहीं ढूंढा जाता है, ठीक है, क्योंकि स्टोरी अच्छी चल रही होती है। पर जहां पे स्टोरी के साथ साथ डायरेक्शन भी बेकार हो गया और उसके बाद से लॉजिक की एकदम ही उड़ा डाला है तो ढूंढते। पर आज की मूवीज में नहीं है बॉस। आज पता है हम लोग कंटेंट देखने वालों में से सबसे पहले बता रहा हूँ, सबसे पहले ये भाई साहब और ये भाई साहब, इनका मुझे जहां तक है 70% विश्वास, बिलीव करता हूँ कि ये लोग कंटेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन मैं वेब सीरीज देखने वालों में से हूँ और अगर वेब सीरीज के अंदर में कंटेंट देखोगे ना, दिल दहल जाएगा। सो दैट्स नथिंग, दैट्स द रियल पॉइंट। ये जो आप थिएटर पे देख रहे हो कि उंगली कट गया उसके बाद से उसको ब्लर करके रखा और वो उंगली क्लियरली दिख रहा है कि दैट्स लाइक दिस, ऐसा टाइप का। देखो मैं सबसे पहले बात बता रहा हूँ, हम 10 मिनट का यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, उसको शूट करके पूरा कंप्लीट करने में हमें कम से कम 8 से 10 घंटा जाता है, ठीक है? तो हमें पता है कि 3 घंटे की मूवी में कितनी मेहनत कितने पैसे लगते हैं। सो वी आर नॉट अगेंस्ट विद एनी मूवी, लेकिन थोड़ी सी जो है ना यार नकल और अकल वाली बात है, दैट्स इट। देखो मैं अभी ज्यादा वीडियो बना हो गया, अभी तुम लोग भी बोर हो चुके होगे। अभी मैं इतना बता सकता हूँ कि पिक्चर को है ना, प्लीज कमेंट वॉच, इतना भी बुरी नहीं है।
आउट ऑफ 5 पहली बात आई गिव 4 सबसे पहले बता रहा हूं सबसे पहले बता देना चाहता हूं अगर आप मूवीज ज्यादा नहीं देखते हो ये मूवी आपको यहां और यहां दोनों जगह पे हिट करेगी ठीक है और सोशल मैसेज भी अच्छा है भाई मैं बताऊं मैं क्यों मूवी देखने के लिए आया आप सबको बचा रहे हो पाकिस्तान मैंने भी देखा है ठीक है वेटई मैंने भी देखा है लेकिन वेटई के बाद ये मूवी उसके बावजूद क्यों आया मालूम है रीजन ये था कि भाई इस मूवी के अंदर में जो है ना हमें वो लिपसिंग प्रॉपर देखने को मिलेगी जो हम डबिंग में देखते थे ना यहाँ पे प्रॉपर अपने लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। पहली बार मैंने भी एक नोटिस किया है कि जब ट्रेलर में श्रद्धा कपूर जब गाली वाली देती है माँ भी दो एंड मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो इधर भी वो कट किया है डायलॉग्स पूरा अलग अलग ही चेंज कर दिए वैसे जी फाड़ू करके एक डायलॉग है जो कि गलती से उनके मुंह से निकल गया एग्जैक्टली वो लिप सिंक हमने देखा एंजॉय दैट सीक्वेंस वो सीक्वेंस को बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे कि जब वो सपने में बोल रही होती है कि अब मैं क्या बोलूं तेरे 30 इंच की चीज को 20 इंच में कैसे डालूं और मींस वो चीज और पिक्चर में ना सब कुछ है सब पैकेज है सबसे बड़ी डायलॉग है ना डायलॉग जब है ना एक पुलिस पुलिस वाले एक बोलते हैं रितेश देशमुख को बोलते हैं पहला सिंघम आ गया उसके बाद सिम्बा आ गया और 1 2 3 4 5 6 7 आप हफ्ते सूर्यवंशी भी आ जाएगा सूर्यवंशी को प्रमोट ही कर दिया भाई इसने पूरा सीरियसली प्रमोशन फॉर द रोहित शेट्टी फिल्म एग्जैक्टली और मैं एक चीज बता दे रहा हूं इट्स नॉट अ स्पॉइलर इट्स नॉट अगेंस्ट विद एनी एक्टर और एनी फिल्म जस्ट ये बताना चाह रहा हूं आप लोग अगर एक्शन के दीवाने हो दिस फिल्म इज फॉर यू और जहां पे टाइगर श्रॉफ मुझे दिखे हैं वो फिजिक्स वो एक्शन वो स्टंट दैट्स फैब मैन दैट्स फैब और पहली बात में मैं एग्री करता अभी भाई इतना बोलना चाहता हूं कि भाई तुम लोग लॉजिक देखने आओगे ना तो दिमाग पहला घर पे छोड़ के आओ जैसे तुम लोग बाकी दोनों पॉकेट का गुजरा घर पे छोड़ के थे पहले दिमाग भी घर पे छोड़ के आओ एंड बाय द वे देयर इज अ जस्ट वन सजेशन फॉर द टाइगर श्रॉफ दैट्स नॉट टाइगर श्रॉफ प्लीज बी अ ट्राई नहीं बोलूंगा ट्राई कर श्रॉफ ठीक है प्लीज ट्राई कर श्रॉफ मींस ट्राई कर समथिंग न्यू सो ट्राई कर श्रॉफ मैन या और बाय पिक्चर को 5 out of 4.5 मूवी तो ठीक ठाक ही बोल सकते हैं और पहली बार ब्लॉकबस्टर की इसके लिए सिर्फ एक्शन के लिए भाई और टाइगर श्रॉफ का बॉडी दिखाने के लिए बॉडी दिखाना खत्म भाई पैसा वहाँ पे वसूल हो गया एक्शन सीक्वेंस के लिए 5 out of 5 बट ओवरऑल अगर देखा जाए ओवरऑल दैट विल बी 3 stars इट्स एनफ फॉर द मूवी ओके गाइस मेरी तरफ से मैं तो पहले ही बता दिया कि आउट ऑफ 5 आई गिव 4 टाइगर श्रॉफ 5 out of 5 देयर इज नो डाउट जो भी स्क्रिप्ट मिला सब एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और लाइक कर देना प्लीज साथ में थोड़ा सा साथ में देखो लाइक करो हेलो इनके चैनल पे गाली देना फुल्ली अलाउड है मेरे भी चैनल पे अलाउड है डूड फुल्ली अलाउड है जितना गाली देना दो जितना जो देना दो हमें गाली देखो बुरा लगा कैसा लगा बुरा लगा ना पूरा ले लो घंटा फर्क पड़ता है लो इनके चैनल को सब्सक्राइब करो बेल का बटन दबाओ शेयर करो और अगर गालियां देने का ज्यादा शौक है या गालियों की क्वांटिटी बढ़ानी है तो शेयर कर दो वो लोग भी गाली देंगे थैंक्स